सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ यार बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। सो भाई लोग, आज इस वीडियो में कैसे आपको बताने वाला हूँ कि जो हम लोग यार ट्री को प्लांट करते हैं, मीन्स यार अब वो ट्री है कि क्या है मुझे नहीं पता, जिस चीज़ को हम लोग यार लॉबी में लेके जाते हैं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग रूम में। सो गाइज, वहाँ से हमें कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यार डायमंड हो गए, गोल्ड हो गए। सो ये सारे रिवॉर्ड, ये दोनों रिवॉर्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइज यार, आप इस वीडियो में आप लोग को यही ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप लोग उससे सबसे ज़्यादा डायमंड कैसे अर्न कर सकते हो। एंड गाइज, ये जो ट्रिक है आपको बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइज यार, मैंने जो डायमंड गाइज फिलहाल तो मैंने कुछ टाइम पहले टॉपअप किया था, बट अभी फिलहाल गाइज मैंने टॉपअप नहीं किया है। एंड गाइज मेरे पास 880 डायमंड है, जिसमें सर 80 डायमंड मैंने यार इकट्ठा किया है यही ट्री को ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। सो गाइज यार, स्पेशली मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड गाइज यहाँ पे एक और चीज़ ऐसी चलती है जहाँ पे अगर आप लोग डायमंड, जैसे आप लोग कंटिन्यू डायमंड लूट रहे, अगर आप किसी मैच में आपको किसी उसमें अगर आपको डायमंड मिलता भी नहीं ना, फिर भी आपका डायमंड काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, डायमंड 2-4 डायमंड जो है बढ़ जा रहे हैं। एंड ये बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे गाइस आपका जो एक्सचेंज करने का जो सिस्टम है गाइस, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, मीन्स यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग यार इसको एक्सचेंज कर सकते हैं 99 टाइम। अभी भी गाइस मैंने 13 टाइम ही एक्सचेंज किया है। एंड आप लोग यार अगर लॉबी में जाओगे, अगर आपके पास ये है भी नहीं, हेडसेट नहीं इकट्ठा किया, तो आप लोग को भी गाइस मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग लॉबी में जाओगे तो दूसरे बंदे जो गिराते हैं वहां से आप लोग लूट के बहुत ज्यादा डायमंड ले सकते हो। एंड यहाँ पे गाइस कैसे क्या क्या करना होगा सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग यार यहाँ पे इन डिटेल बात करूंगा, पूरा वीडियो देखोगे तो ठीक है सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। सो यार चलिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासिक स्क्वाड रखेंगे एंड यहाँ पर गाइस जाके ऑटो मैच ऑफ कर देंगे। ऑफ करने वाले गाइस हम लोग कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, तो उससे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में गाइस यार बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि गाइस हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहती है। अगर आप लोग को भी ऐसा वीडियो और देखना है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। एंड गाइस यहाँ पे जो ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ये ट्रिक गाइस ऐसी है जहां पर गाइस आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग इक्विप नहीं करोगे, मीन्स अगर आप लोग चाहो तो डायमंड लेके नहीं जाओगे, जैसे आप लोग को देख लो, जैसे आपका 880 डायमंड, आप लोग वहां से डायमंड लेके नहीं आ पाओगे, ठीक है, 0 है, लेकिन फिर भी आप लोग कंटिन्यू उसको कलेक्ट करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो डायमंड है वो इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया नियम है। एंड यहाँ पे गाइस आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइस मैं मैच में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे गाइस देखते हैं कि कौन कौन से बंदे गिराते हैं हमारा जो ट्री है, जो भी है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे पास 7 है। मैं वेट करूंगा 20 सेकंड तक, अगर कोई नहीं गिराता तो गाइस मैं गिरा दूंगा, ठीक है। तो गाइज आपको भी यही करना, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एंड अगर आपको डायमंड चाहिए तो कंटिन्यू आपको ये करना पड़ेगा। तो चलो एक बंदे ने गिराया, चलो यहाँ पे जाकर मैं लूट लेता हूँ, ठीक है, फटाफट से। सो गाइज आपको कंटिन्यू आपको यही करना है। एंड देखो यहाँ से आप लोग ज्यादा से ज्यादा डायमंड ले सकते हो गाइज, अब ये सबको पता है। लेकिन गाइज एक चीज ये नहीं पता है कि गाइज अगर हम लोग कंटिन्यू 6 से 7 बार ऐसा करेंगे तो अगर जिस मैच में गाइज हमें डायमंड नहीं भी मिलेगा, फिर भी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डायमंड जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। एंड गाइज आप लोग को यहाँ से इकट्ठा करना है, ठीक है। एंड गाइज यार जैसे मेरे को भी देख लो, काफी ज्यादा यहाँ पे डायमंड जो है वो मिल सकते हैं आप लोग को भी। तो यार वीडियो को पूरा देखते रहना। अभी तक गाइस जिसने भी लाइक नहीं किया तो भाई लोग लाइक कर देना, क्योंकि गाइस अगर आप लोग लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड ऐसी वीडियोस मैं और बनाते रहूंगा, ठीक है। तो गाइस यही ट्रिक करनी है। एंड यहां पर गाइस क्या करना है, आपको कंटिन्यू बैक टू बैक गेम में जाते रहना है। एंड आप लोग अगर जिस मैच में जाते हो जहां पे डायमंड अगर आपका नहीं भी मिलेगा आपको डायमंड, तो गाइस आपको वहां पे क्या करना होगा मैं आपको ये भी बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको डायमंड नहीं भी मिल रहा है तो सिंपली गाइस अगर आप लोग 2-3 मैच में जाओगे नहीं मिला, फिर भी गाइस आपके अकाउंट में डायमंड ऐड हो जाने वाले। एंड बहुत सारे बंदे के अकाउंट में डायमंड ऐड हुआ है एंड कुछ बंदे अकाउंट में नहीं भी हुआ था, तो भाई उनके अकाउंट में भी होने लगा। तो गाइस अभी देख लो मेरे पास 2 डायमंड बढ़ चुके हैं एंड बहुत ही इजी है गाइस, आप लोग आसानी से हेडसेट कलेक्ट करके इसको ले सकते हो, या फिर गाइस आप लोग क्लासिक मैचेस में जा जाके बहुत ज्यादा डायमंड कलेक्ट कर सकते हो। यहां पे गाइस मिस्ट्री शॉप भी चल रहा है एंड यार यहां से आप लोग चाहो तो आसानी से यहां पे जो हमारा एलीट पास है वो परचेस कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है गाइस यार। तो गाइस यार कैसी लगी मुझे जरूर बताना। यहां पे गाइस जो मेन ट्रिक जो है, आप सभी को पता है यहां से डायमंड मिलते हैं लेकिन यार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां पे गाइस सिंपल मैं आपको जो बताना चाह रहा था मेरा यही था कि आप लोग यार बस कंटिन्यू मैच में जाते रहोगे, अगर जिस मैच में ट्री आपको नहीं भी मिलेगा ना, तो वहां पर आपको ये डायमंड मतलब आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड होने को दिखेंगे, ठीक है। सो यार यही एकदम सिंपल सी नॉर्मल सी ट्रिक थी। सो भाई लोग कैसे लगी मुझे जरूर बताना। एंड यार ये ट्रिक नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा माइंड का यूज करना बोल सकते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू करोगे 7 से 8 टाइम तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 5 डायमंड 3 डायमंड ऐसे ऐड होते रहेंगे एंड मिस्ट्री शॉप से आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है उठा सकते हो। एंड गाइज यार अगर आपको एक्स्ट्रा डायमंड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी गई। तो यार वीडियो कैसे लगे मुझे जरूर बताना। सो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।